Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am Ruchi Joshi and I am back with yet another video. If you are new to this channel, do subscribe, press the bell icon to be notified with my upcoming videos. Today I will be reviewing two products of Good Vibes. First one is green tea toner and the second one is rose toner. So without any further ado, let's go into the video. अगर इस वीडियो से पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सा टोनर हमें लेना चाहिए, रोज टोनर और ग्रीन टी टोनर, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें. आपका कंफ्यूजन मैं बिल्कुल दूर कर दूंगी. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपने स्किन टाइप के लिए बेस्ट टोनर लेने में. तो मैं यहाँ शुरुआत कर रही हूँ गुड वाइब्स के ग्रीन टी ग्लो टोनर के साथ. यहाँ पे मेरे पास है 200 ml का बॉटल जिसका प्राइस है 225. पर्पल में आपको ये और भी कम रेट में मिल जाएगा क्योंकि वहां पे काफी सेल चलते रहता है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह का है, बट इसका जो ये गोल्डन वाला पार्ट है ये निकल जाता है बहुत बारी. तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये निकल जाता है, बट कोई बात नहीं, इससे प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होते बिल्कुल भी. और ये इस तरह से स्प्रे बॉटल में आता है, तो आपको जितना चाहिए आप उतना स्प्रे कर लो. तो ये अच्छा है, कुछ भी वेस्ट होने का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है. इसकी स्मेल बिल्कुल प्रॉपर ग्रीन टी वाली है. अगर आपको नहीं पसंद है तो ये आपको इरिटेट करेगा. मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसका फ्रेग्रेंस क्योंकि बहुत स्ट्रांग है. अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी. ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है. ये पिंपल, एक्ने, व्हाइट हेड्स कंट्रोल करता है. तो मैंने उन दोनों टॉपिक पे भी वीडियोस बनाया हुआ है, तो मैं आपको ऊपर सजेस्ट कर दूंगी, आप उसको जरूर देखना. ये पिगमेंटेशन के लिए भी काफी अच्छा है और एज इट्स फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं. मैंने इसे एक वीक तक यूज किया है, ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया. मेरे स्किन पे काफी रैशेस हो गए थे इसके वजह से और काफी इरिटेशन होती थी इचिंग के वजह से. तो ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट ऑयली स्किन वालों के लिए ये थम्स अप है. और ये टोनर आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है और स्किन एजिंग को भी ये बहुत हद तक कंट्रोल करता है. तो ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनका ऑयली स्किन है, जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा मिसमैच है या फिर डिस्टर्ब्ड है कह सकते हो आप. तो ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी काफी हद तक कंट्रोल करेगा. ये टोनर मुझे किसी ने सजेस्ट किया था बट ये मेरे स्किन पे बिल्कुल भी सूट नहीं किया. तो अगर सिमो तो ये देख रही है ना, तो ये तेरे लिए, तेरे कहने पे मैंने ये ऑर्डर किया था, ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया. एज अ स्टूपिड मैंने इसके बड़ी वाली बॉटल मंगाई, बट कोई नहीं, ये यूज हो जाएगा क्योंकि मेरी सिस्टर इसे यूज करती है, उसे सूट किया है. तो आगे बढ़ते हैं. तो अब आते हैं रोज ग्लो टोनर की तरफ. ये मेरे लिए मिराकल है, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से सूट किया है. ये मेरे स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है. बट मैंने इसका छोटा बॉटल मंगाया था, मैंने उस वाले की तरह बेवकूफी नहीं की क्योंकि मैं पहले से ट्राई करना चाहती थी. तो मैंने यहाँ पे 120 ml मंगाया था स्टार्टिंग में और इसका प्राइस मुझे पड़ा था 175, बट पर्पल है तो वहां पे हमें सेल मिल जाएगा. तो इसका पैकेजिंग भी बिल्कुल सेम है, बस वो बड़ा था, ये छोटा है और इसकी ये वाली नहीं निकलती. और ये भी स्प्रे बॉटल में आता है, इससे भी आपका प्रोडक्ट्स वेस्ट नहीं होता. तो अब आते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ. ये आपके पीएच लेवल को, स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और एक बहुत अच्छा नेचुरल सा ग्लो देता है आपके स्किन पे. यू कैन सी, मैं इसे अभी डेली बेसिस पे यूज कर रही हूँ और आप मेरे स्किन पे ग्लो देख सकते हो. हाँ माना, थोड़ा बहुत मेकअप है बट मैंने हाइलाइटर यूज नहीं किया है, ये इसकी देन है.
ये आपको हेल्प करता है अगर आपके स्किन पे कुछ इन्फेक्शंस हैं, लाइक कुछ रैशेज हैं या कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। और ये आपके स्किन के रेडनेस को भी ठीक करता है, लाइक अगर किसी किसी के स्किन काफी रेड होते हैं और उन्हें उससे बहुत इचिंग होती है या इरिटेशन होता है, तो ये भी उसे भी आपको ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। तो यस, ये मेरे लिए बहुत 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 अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल मेरे स्किन टाइप के लिए है, लाइक सेंसिटिव स्किन टाइप एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। और हाँ, ऐसे आप अगर आपका ड्राई स्किन टाइप है तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं, ये आपके स्किन में मॉइस्चराइज करेगा आपके स्किन को और पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। दोनों ही बॉटल्स बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली हैं, आपको ये झंझट नहीं लगेगा कहीं भी लेके जाना, ये थोड़ी सी जगह में कहीं भी आराम से रह लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हो, डू गिव इट अ थम्स अप, कमेंट डाउन बिलो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज मैं कुछ भूल गई, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।